ऐसे जो वो तो चले गए सत्संग करके खत्म है गो, ये पीछे बड़दरी मची है। अब तो हमें अपनी बेटी की चिंता है, मेरे ऊपर दोष लगा हुआ है, वही तो कही निभा के ले गई। कट पे गाड़ी रुकी, उन्हें लगा के पब्लिक को बाबा रुके, उसको एकदम भगदड़ सी मच गई, जिससे कि बच्चे जवान बड़े बूढ़े औरतें कुचल गए बुरी तरीके से। बाबा के आने के बाद उनकी माटी मिल जाए लगाने के लिए भीड़ एकदम बेकाबू हुई, उससे पहले उनके अनुयायी जा चुके थे। उसके ऊपर भीड़ गिरती गई, लोग मरते गए। ना तो इसमें कोई प्रभु का दोष है, ना पुलिस प्रशासन का दोष है। कोई किसी को बुलाता नहीं, अपनी मर्जी से जाते हैं, घर वाले रोकते नहीं रुकते। इसके पापा को हम नहीं देख पाएगा, इसकी वजह से हम उनको लेके नहीं आए। बाबा 11:30-12 बजे की समथिंग आए थे, ठीक है। ये जब की बात है, ठीक है। फिर उन्होंने जब जो भी प्रवचन दिए, उसके बाद जब यहाँ से वो निकले, तो उधर होते हुए वहाँ पर रोड है, हाँ। उधर रोड से होलते हुए निकलते हुए रोड पे उस पर पहुंचे, हाईवे पे, ठीक सामने। जैसे ही हाईवे पे पहुंचे तो कट है वहाँ पे, हाँ। तो कट पे गाड़ी रुकी, उन्हें लगा के पब्लिक को बाबा रुके, उसको एकदम भगदड़ सी मच गई, जिससे कि बच्चे जवान बड़े बूढ़े औरतें कुचल गए बुरी तरीके से। यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस वगैरह या फायर ब्रिगेड कोई एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी, फायर ब्रिगेड थी लेकिन एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं। सर यहाँ पे क्या थे 20,000 जवान ऐसे थे वर्दीधारी में जो उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, कल से वो व्यवस्था अपनी पूरी रूप से बनाए हुए थे। बाबा के आने के बाद उनकी माटी मिल जाए लगाने के लिए भीड़ एकदम बेकाबू हुई, उससे पहले उनके अनुयायी जा चुके थे, इसलिए हादसा हुआ। जो भक्त थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आताताई होते हैं, जिनको धैर्य नहीं होता है, सब्र नहीं होता है, वो एकदम जाते हैं और एकदम भागने लगते हैं। एक व्यक्ति तेज चलने वाला 100 लोगों को मार देता है। वही हुआ है कि एक व्यक्ति कोई भागा होगा, भागने में बोलिस करके गिर गया, फिर उसके ऊपर भीड़ गिरती गई, लोग मरते गए। ना तो इसमें कोई प्रभु का दोष है, ना पुलिस प्रशासन का दोष है। पूरी व्यवस्था थी, सेवादार भैया और बहने और व्यवस्था इतनी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फिर भी संगत नहीं संभलती है, तो वो अपना कर्म है। मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, जो देखा है वही बोला है मैंने। कोई किसी को बुलाता नहीं है, अपनी मर्जी से जाते हैं, घर वाले रोकते नहीं रुकते हैं, लेडीजों के आगे चलती नहीं है। 3.5 साल का रेहान। इसकी माँ इसके साथ थी, माँ के साथ था ये, माँ का कोई पता नहीं है, अभी तक कोई पता नहीं लग रहा है। जब इनका टाइम सत्संग समाप्त होने का होता है तो इनको गाड़ी पे तलाशा गया, काफी देर तक नहीं आने के बाद में फिर इनको देखा गया, नहीं मिले ये। फिर मेडिकल जब ये पता लगा कि बहुत से लोग खत्म भी हो गए हैं, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा है छोटा सा, भीड़ भाड़ में कहीं ऐसा हो गया हो, तो फिर इनको मेडिकल वगैरह में देखा गया तो नहीं मिला। फिर टोल फ्री नंबर, जैसे लाइव वगैरह होती हैं तो उन पे टोल फ्री नंबर आ रहा था, उन पे कॉल करके देखा गया, फिर इसका फोटो डाला गया, तब इसका बैक फोटो गया डेड बॉडी का, तब जाके पता लगा, जो कि अभी तक इसकी माँ का पता ही नहीं है। माँ का भी पता नहीं चला है? नहीं नहीं, मैं इसका ताऊ, इसके पापा को हम नहीं देख पाएगा, इसकी वजह से हम उनको लेके नहीं आए। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से भोले बाबा जा रहे थे इधर से, तो उनके पैर छूने के लिए कुछ भी करने के लिए भगे आदमी, तो भगदड़ मची, तो उसका आदमी कुछ दब गए नीचे, पैरों के नीचे, और कुछ इधर सामने यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे कुछ आदमी इधर जो रोड पकड़ते उसके ऊपर भगदड़ मची इस गेट से, तो उधर जाके गिर गए। तो उसको जो सेवादार थे उनके, उन्होंने निकाला, हम भी निकालने के लिए गए तो हमसे उन्होंने मना कर दिया, जाओ यहाँ से, आप कोई भी हाथ मत लगाओ इनसे। हमने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने मोबाइल छीन लिया, वीडियो नहीं बनाने दी, न फोटो खींचने दिया, और हमसे बोले यहाँ से चले जाओ नहीं बहुत मारेंगे। वो तो चले गए सत्संग करके खत्म है गो, ये पीछे बड़दरी मची है, जो बिछड़ोगे को मिलो ना है। अब आज लगवाई ढूंढी जहाँ से हम आए, बहु देखी जाके दो दो तीन तीन बार, और कहीं पता ना मिलो। जो हमारे की गलती है, जो लोग है वहाँ उन्हीं की गलती है, उन्हीं की गलती है, उन्हीं ने बड़दर मचाई है। वो तो अपना काम करके चले गए, इन्हें ने धक्का मुक्की जंदी जंदी जंदबाजी में रोंदा रात पीछे धक्का मार रहे, जो गिर गो वो उठ ही ना पायो, भाई के ऊपर है के भाग रहे, देख ही ना रहे नीचे जी। तो वहां के लोगों की जो सत्संगी है कहा, उनकी गलती है। अब तो हमें अपनी बेटी की चिंता है, मेरे ऊपर दोष लगा हुआ है, वही तो कही निभा के ले गई, मेरे संग न बोती कोई बात ना।
जाई मार में घर ना गई अपने, उन्हें कोई घर से आया जिन गुस्सा हमें ना आया जिनका घर से नहीं कोई आया, रवाने नहीं आया, पता तो लग गया होगा उन्हें। हाँ थोड़ी बहुत पता लग गई है, गुस्सा में ना आया।